हमारे पूरे भारत वर्ष में विजयादशमी का पर्व इस समय धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि बाद आज नम आंखों से मां को विदाई भी दी जाएगी। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक दुर्गा पूजा के प्रति अलग ही दीवानगी भक्तों में देखी जा रही है। कोलकाता में सैकड़ों दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं। पंडालों में रौनक है, मां का श्रृंगार किया गया है, मां को सिंदूर लगाया गया है, ढोलक की थाप है, मां की विदाई की बेला है। दुर्गा पूजा की आस्था में लोग डूबे हुए हैं, तो सिंदूर खेला के साथ मां की विदाई होगी। सजे धजे पंडालों में मां के भक्तों का हुजूम है। कहीं सिंदूर खेला की रस्म अदा कर दी गई तो कहीं ये रस्म चल रही है। जो सिंदूर मां को लगाया जाएगा उसी को बाद में सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को लगाकर सिंदूर खेला खेलेंगी। हमारे साथ इस समय हमारे दो साथी दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर जगह चितरंजन पार्क से चित्रा त्रिपाठी हैं और हमारे साथ नवज्योत हमारी साथी हैं जो कि इस समय बाहर हैं, दिल्ली से बाहर हैं, लेकिन क्योंकि दुर्गा पूजा पंडाल में सिंदूर खेला की रस्म को निभा रही हैं चित्रा, तो चित्रा हम चाहेंगे कि ये बुलेटिन आप वहीं से करें और नवज्योत से भी बात करें। ओवर टू यू चित्रा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद। उल्लास, उमंग, उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के जिस हिस्से में भी आप जाएंगे उस हिस्से में इसी तरह का रंग आप पाएंगे। माता दुर्गा के दर्शन करने के लिए एक तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विदाई देने के लिए यहां पर अलग से तैयारी की जा रही है। सबसे पहले मैं जाऊंगी यहां पर चितरंजन पार्क के एक अलग पंडाल में मैं आ चुकी हूं। आगे जाएं संजय और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। वहां पर देखिए कैसे पान के पत्ते से और उसके बाद माता रानी को सिंदूर चढ़ाकर तिलक लगाकर नैवेद्य चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और यहां पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों को मैनेज करने की कोशिश भी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे यहां पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से तैयार होकर बिल्कुल आए हुए हैं माता दुर्गा की ही यकीनन ये छोटी बच्चियां भी रूप है। 9 दिनों का जो लोग व्रत करते हैं छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से तैयार करके फिर इनको खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं, तो इस तरह से पूरी तैयारी भी है। यहाँ की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लेकिन आपको लेकर चलते हैं सिंदूर खेला का जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, जरा उसकी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं और उसके जरिए आप जानेंगे कि किस तरह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और लोग थिरकते हुए नाचते हुए गाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ की तस्वीरें संजय आप दिखा आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ देखिए महिलाएं किस तरह से अपने ही रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है और सभी जोश जुनून जज्बे के साथ लबरेज हैं। सभी के चेहरे खिले हुए हैं, चेहरे पर लालिमा है। माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप जो सिंदूर मिला है वो भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इस तरह से महिलाएं एक अलग ही रंगत यहाँ पर बिखेरती हुई नजर आ रही है। जरा कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्या बोलेंगे आज के इस मौके पर आप? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगा। सिंदूर खेला का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया, अभी चलेगा। मैम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मिस करूंगी। पूरा साल फिर कल से इंतजार रहेगा, पूरा साल का जो फिर से साल आएंगे घूमेंगे। पूरा आपका चेहरा बिल्कुल सिंदूर की होली में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं, आप क्या बोलेंगी? ये आज जो है हम लोग सारे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सारे सुबह से लेके हम लोग बेसिकली रेड सारे व्हाइट रेड बॉर्डर वाले व्हाइट साड़ी पहन के सारे सिंदूर खेलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। वो तो आपके चेहरों से साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि सिंदूर खेला का जो चटक रंग है वो इन महिलाओं के चेहरे पर सिर चढ़कर बोल रहा है। उधर चेहरा कर लीजिए, क्या बोलेंगे आज माता रानी के साथ? सभी के चेहरे आप देखिए, कुछ और महिलाओं से बातचीत करेंगे, आप देखिए सब चूंकि डांस में लगे हुए, क्या बोलेंगे? जरा डांस देख लेते हैं उसके बाद नवज्योत के पास लेकर चलेंगे कोलकाता को। Thank you.
ये तस्वीरें जारी रहेंगी। जरा लेकर चलते हैं कोलकाता। नवजोत हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और नवजोत, दिल्ली में तो बंगाल का जो रंग है वो सर चढ़कर बोल रहा है, आप कोलकाता में हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए जहां से सिंदूर खेला की परंपरा की शुरुआत हुई। बंगाल में कैसी छटा है इस वक्त माता रानी की और इस सिंदूर खेला की देखने को मिल रही है।